Assalamualaikum everyone, hope you all doing good. This is Hamza here और welcome to our new vlog. तो भाई सीन ऐसा है कि रमज़ान चल रहे हैं और हमने जाना है शॉपिंग पे, मैंने और अज़ीरा ने. तो अभी मैं जा रहा हूँ रास्ते में उनको लेने के लिए. तो आज के दिन आप हमें दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें. आज हम साथ घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, उसके बाद अफ्तारी पे भी हो सकता है जाएं. तो अभी तो मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, तो फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है. मुझे एक्साइटमेंट अफ्तारी की है, मुझे आज मैं सीरियस हूँ. ये बात मैं हंसते हुए कह रहा हूँ कि आज मैं सीरियस हूँ. आज सीरियस वैसे मुझे होना चाहिए क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, मुझे मोजा लग रहा है, लेकिन सीरियस ये है भाई. लेट ये सोएंगी, लेट ये उठेंगी, नींद इनकी पूरी नहीं हो रही है. तो लेट क्यों सोई थी मैं? ये भी मेरी गलती है. और किसकी गलती है? रोजे के बाद तुम चलाती फिर गाड़ी. कराची का ट्रैफिक बेटा, तो क्या जाना तो है ना. गर्मी बर्दाश्त, ट्रैफिक बर्दाश्त नहीं यार, गर्मी भी बहुत हो रही है. अरे कहाँ घुस रहे हो, क्या हो गया? बैठ के औरत कहते हैं. सीधी बाइक क्यों करके लेकर आ रहा है पागल का बच्चा? अभी भी देख रहा है तू पागल, तू पागल. कितने महंगे महंगे सूट हो गए हैं. लड़के ने स्टेटस डाला हुआ था 32,000 का, तुम मत ले लेना इतना. मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है. मॉल पहुंच गए हैं और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? कि हम लकी बन जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे मछली बाजार बना हुआ था. यहाँ देखें आप, यहाँ ऐसा लग रहा है कि ईद अभी बहुत दूर है, दूर दूर तक नहीं है कोई. ये मसरूफ़ है भाई, क्या हो गया, क्या लंबी कर रही हो? आमना आ रही है, हम अफ्तारी बाहर ही करेंगे. ऐसी घूमती रहोगी? क्या 32 यही होगा? यही ये वही वाला होगा. हाँ गाइस, ये वही सूट है. गाइस मेरी सैलरी लिखी हुई है प्राइस टैग पे. मुझसे कह रही है कि मेरी हेल्प कर दो. मैंने आज तक ज़िंदगी में इसके लिए भी जो कपड़े लिए ना, वो भी अपनी बहनों की हेल्प से लिए. और इसको मेरी हेल्प चाहिए, मेरे को इसमें कुछ नहीं पता. तुम्हें भी क्यों लेकर आई हो खाड़ी पर? टोटल इन्होंने 2 मिनट का सर्वे किया है. अभी एथनिक अंगूर खट्टे ले लो, जो अच्छा लग रहा है ले लो, फटाफट निपटाओ लेना. लेकिन आज ही है जो भी लेना है, ये मैं बता रहा हूँ. We have only 2 days for shopping, one for you, one for me. Your time starts now. आज ही देख लो ना. मैं मेरा मसला नहीं है. तो आज मिल जाए तो दूसरे दिन मुझे. ये वाले ले लो कपड़े. मेरी तरफ से डन. ये अच्छा लग रहा है. हाँ ये और नीचे यही वाला कुछ सब है ना. कुछ वाला नहीं, ये तो नहीं. एक नंबर के बोर इंसान है, तुम्हारे साथ शॉपिंग पे आ रही ही नहीं चाहिए. मैं पता, चुप पता क्या कर रहे हैं मैं बता दूँ. तो और मैं क्या करूँ? तो हेल्प करते हैं बंदा. नहीं 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 सवा घंटा हो चुका है, इस औरत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. लास्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं, आगा दूर. जिसके पास गिनती के 4 कपड़े होते हैं. तो क्यों जा रही हो? डोंट वेस्ट योर टाइम एंड देयर टाइम एज वेल. ये औरत यहाँ आती रहती है हाइपर स्टार. मेरा कोई काम नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि मेरे घर से करीब 2-3 और मॉल है, मैं वहाँ से कर लेता हूँ. ये आती रहती है, इसने बोला यहाँ चलेंगे सुकून होगा. और आधे घंटे से हम रास्ता ढूंढ रहे थे कि नीचे कहाँ से जाए. यार जाते हैं कभी कभी, नहीं मिलता. हम लिफ्ट में गए, लिफ्ट से फर्स्ट पे करो, फर्स्ट पे करे. लिफ्ट में ऑप्शन ही से फर्स्ट करो, हम फर्स्ट पे खड़े हुए थे. बोला और मजीद नीचे कैसे जाए. चलते फिरते मैंने वॉलेट ले लिया, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आया.
तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ समझ आने वाली चीज दिख रही है मेरे मतलब? हाँ ये है, ये कपड़े मेरे लिए। पहले कपड़े ले ले भाई। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सलवार कमीज के नीचे पहनूंगा। यार अगर ग्रीन पहनो तो मैं ये वाली चप्पल पहनूंगा। गाइस देख ले रोजे में ये बकरी क्या कर रही है। अभी नहीं खाऊंगी गाइस, इफ्तार के बाद खाऊंगी। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। यार तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? हां रोजा है भाई, इसका रोजा है। गाइस मैं शॉपिंग करने आई थी, ये अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है इसने। वॉलेट ले चुका है, कपड़े ले रहा है, जूते इसको पसंद आ रहे हैं। और मैं तो, मेरा तो कुछ है ही नहीं है कुछ समझ। शॉपिंग नहीं खत्म हो रही, क्या पागल आ गई। ये ले लेता हूँ, इसी की मुझे सख्त जरूरत है। जूतों का पेट खराब है। One eternity later. पूरे दो घंटे ख्वार होने के बाद सिर्फ क्या लिया है ये भी दिखा दो। ये सिनेमन रोल इन्होंने लिया है और मैंने वॉलेट लिया, लेकिन मुझे अभी कुछ लेना नहीं था वरना हम खाली हाथ वापस आते। तो खैर अब हम जा रहे हैं इफ्तारी पे, फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन्स हैं। फाइनली वी आर एट, नजर भी नहीं आ रहा, चौपाल खैर ऐसे ही बता देता हूँ। स्मार्ट बॉय। तो अभी हमें जा के पता चलेगा कि यहाँ पे आज जगह है या नहीं है। प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग है। बाहर थी रिजर्वेशन फुल, एक तो साले कॉल नहीं उठा रहे थे। सही है, ये देख लें, ये हमारा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। हॉनेस्ट एकदम, हो से हॉनेस्ट। तो अभी हम लोग आए नवाब डायनेस्टी, यहाँ देखते हैं कैसा है। एकदम जस्ट नाउ पे हमने करवाया है बुक, देखते हैं। लेकिन यहाँ जो जगह है ना वो ऐसी है कि बस एक रूम है, सबको लाके बिठा दिया गया। ऐसा लग रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये देखें, आपको एक बार बताएं कि ये जो है मैंने 0.5 पे बनाया था, तो ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है। बड़ा बिल्कुल भी नहीं, बहुत छोटा सा कमरा है, उसमें उन्होंने चार सोफे डाल दिए। इस मोल्ड हमारा रोज़ा खुल गया। रोज़ा अच्छा, अब सिटिंग इनके ऊपर है। अब बुफे के लिए हमें नीचे जाना है। नीचे भी सिटिंग है लेकिन नीचे फुल हुआ होता तो ऊपर भी है, तो ये बड़ी लंबी ख्वारी है वैसे आपस की बात है। तो ये देख लें टमाटर, इसके बाद खाना भी है। मेरी नहीं है, नहीं तुम्हारा तो नहीं होगा। A few moments later. दो थाले निपटाने के बाद अभी दही बड़े खा रही है। बस कर दो यार अबे आप। रोबोट छा दिया खाना खा के बैठ चुके हैं, लेकिन इस इंसान का खाना खत्म नहीं हो रहा। ये सब इसने खाया है। बिरयानी का नाम सुनती हूँ, बिरयानी। हम लोग ऐसा लगा था कि खाने के ब्रेक पे गए थे, क्योंकि उसके बाद हम लोग वापस वहीं पे आ गए हैं। और इस दफा हमारे साथ कुछ नए लोग भी जो वहाँ पे अफ्तारी पे भी थे हमारे साथ। मैं कह रही हूँ डेनिस से वो एक स्लाइस ले रेड वेलवेट, ये मास्क लगा के घूम रही क्योंकि उसको पहचान ना ले। नासिर आमना 280 ऐसा नहीं है, कॉन्शियस हूँ ना। क्या हुआ, क्या समझ में आया? 700 रुपए की वो चार चूड़ियां मैं अपने हारून से ना मैं लेकर आ जाऊंगी 200-150 रुपीज में। तो झुमकी वो कितने की है? 30, वो 450 की दे रहा है। मैं 100 रुपए में लेकर आऊंगी पागल। कभी मुझे पसंद नहीं है अच्छी जगह पे आना, बेकार। हम जा रहे ब्रांड सूट शॉप करने। ये आइए ईद की शॉपिंग करने, ये देख ले आप। हाथ भी नहीं जा रहा, जहाँ हाथ नहीं जा रहा वो चीज चाहिए इसको। ये भी अच्छा है, चाहिए? तुम क्या लेना है ये ईद की शॉपिंग में? ये देखो तो कूल है। फाइनली इन्होंने सूट ले लिया है।
जबरदस्ती शर्म कर आमदा की शक्ल देखो। 3 घंटे ख्वार होके उन्होंने एक सूट लिया है और कह रही है कि अभी भी जबरदस्ती सूट नजर नहीं आ रहा, फिर कलर पता चलता है। इनकी वजह से हमने आमदा पूछे तो साफ कर लो, साफ है दूर से लो। इनकी वजह से हमने चौपाल में बुफे नहीं किया, बातें करवा हमने ये पहनो टाइट लगेगी बिस्तर पे लेडिया ने, ऐसा लगेगा बेडशीट बिछी हुई है। बहुत प्यारी शर्ट है माशाल्लाह से, आप लोग भी बाय करें। और इट्स नेवर प्राइस भी बता दी, जस्ट 24,000-20,000 तो मेरी सैलरी है, 4,000 मैं अल्लाह के नाम पे दे दो। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ हमारा व्लॉग एंड होता है। हमारा वहाँ का नवाब जो भी था उसका रिव्यू हमारा बहुत ख़राब, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा वहाँ का। इतना कोई ख़ास नहीं था, जितना पर हेड उसका था बहुत एक्सपेंसिव था, उस हिसाब से बहुत फजूल था। और बाकी ये कि बस अब जो है ये घर जा रहा है मुझे छोड़कर, आएंगे हम एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत 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 जल्दी। एक चैलेंज वीडियो बनानी है हमें, संडे को बनाएंगे बस। तो बस यहाँ हमारा ब्लॉग एंड होता है, तुम कुछ बोलोगे? नहीं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का जो मेरे दिन था वो आप लोगों ने देखा कि कैसा गुजरा, तो शॉपिंग भी की है मैंने बाहर, अफ्तारी की है। ज़्यादा शॉपिंग नहीं की मैंने, अभी मैं वापस जाऊँगी शॉपिंग करने। शुक्र है कि मैंने ले लिया सूट दिन का, मैंने नहीं लिया अब तक, हम लोगों ने कोशिश की लेने की लेकिन मैं नहीं लेता। बाकी ये है कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना सीधे हाथ से। अल्लाह हाफिज़।